इंसान सोचता कुछ है, वो कुछ और जाता है। पहले पुत्र चला गया, फिर पुत्र गया, हालांकि जाने की बारी तो मेरी थी। वो जमीन, वो आसमान, वो दरो दीवार जहां मेरी मोहब्बत ने पहली बार आंखें खोली। उसकी सिसकियों ने पहली बार मुझे झंझोरा था। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि किसी के आंसू आपके दिल को कैसे महसूस होते हैं। मैं आने का रोना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। रो पड़। पहला रिश्ता आंसुओं का था, उसके आंसुओं से मेरे आंसुओं का। जब जब मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, मेरे आंसू भी बह निकले। क्या ये मोहब्बत है? हाँ, शायद। अकेला है, ना बहन ना भाई। चलो तुम्हारा ये मसला तो हल होगा। हमारे बेटे ने उम्मे हानी को दिल से कबूल कर लिया। शहजादी के जख्म बहुत गहरे थे। लेकिन कभी उसे महसूस न हुए। शहजादा उससे
बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए शहजादी के जख्म भरते गए। आपके जख्मों पर भी कभी दर्द नहीं होगा हानी, क्योंकि मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है। बुद्धू, वो वाली मोहब्बत नहीं, शहजादी को शहजादी से दूसरी वाली मोहब्बत थी। लेकिन मुझे तो आपसे हर तरह और हर किस्म की मोहब्बत है। क्या मोहब्बत की भी किस्में होती हैं? शायद। धूप में मेरे संग उसका साया। शायद मोहब्बत की भी किस्में हुआ करती हैं। मुझसे छुपता फिरे जाने क्यों, जाने क्यों, मेरा दिल कहता है तो कहीं भी नहीं, वो देख रहे हो ऐसे तुम। सांस की आती जाती हुई दूर से, कहीं मोहब्बत इबादत के वजू से पाक होती है, तो कहीं मोहब्बत गर्ज के काले बादलों में धुंधलाई हुई। कहीं तलब की प्यास में बेकल और कहीं नफरत के जहर में डूबी। क्यों जाऊं मैं हॉस्टल? इसलिए कि मैं कह रहा हूं तुमसे। साथ बेटा, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे फ्यूचर के लिए फैसला किया, इस छोटे से शहर में रह के तुम क्या एजुकेशन हासिल करोगे? तो जब हानी ने लाहौर जाके एनसीए में एडमिशन लेने की कोशिश की, आप सब ने उसकी मुखालफत क्यों की? और मॉम, आपने ही तो कहा था कि ऐसी कोई पढ़ाई नहीं जो इस शहर में ना हो सके। साथ वो लड़की है। सो व्हाट, वो लड़की है तो उसके फ्यूचर का ख्याल किसी को नहीं, और मेरे फ्यूचर का है। बाबा, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा। साथ, तुम पागल हो गए हो क्या? साथ, साथ मेरी बात सुनो। अरे समझाओ इसे। रिलैक्स रिजवान, क्या हो गया आपको? मैं समझा लूंगी उसे। सही तो कह रहे हैं सब, यहां रहोगे तो क्या पढ़ोगे? वही जो तुमने पढ़ा। बुद्धू, मैंने हिस्ट्री और लिटरेचर में बीए किया है, और तुम्हें इंजीनियर बनना है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेना पड़ेगा। तुमने भी तो आर्टिस्ट बनना था, उसके लिए एनसीए में एडमिशन भी लेना था, तब किसी ने इजाजत ही नहीं दी। ये देखो, मैं तो आर्टिस्ट बन गई, और इंजीनियर खुद ब खुद नहीं बना जाता। तो नहीं बनूंगा, लेकिन हॉस्टल नहीं जाऊंगा मैं। मुझे समझ आ गई तुम हॉस्टल क्यों नहीं जाना चाहते। क्या तुम वाकई समझ गई हो कि वो कौन सी चीज है जो मुझे यहां से जाने नहीं देती? हाँ,
किया? तुम्हारा डर। डर? तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए तुम हॉस्टल नहीं जा रहे हो। नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे जो हो। बच्चा नहीं हूं मैं, समझी? मुझसे तो छोटे हो। बच्चा हूं मैं, यहां आओ मेरे साथ खड़ी हो, यहां। पूरे 5 इंच छोटी हो मुझसे। और तुम पूरे 5 साल। अगर इतना बड़ा बनने का शौक है ना, तो जाओ हॉस्टल में रह के दिखाओ। सोच लो, चला गया तो बहुत याद आऊंगा तुम्हें। हाँ, खुशी खुशी कर लूंगी। क्या याद, और क्या। चलो जाओ, आप स्केच बनाने दो मुझे। क्या करती रहती हो बैठ के? ठीक है, बस ठीक है। बहुत अच्छा, चलो तुम बनाओ और मैं देखता हूँ। सलमा भाई, सारे काम छोड़ दो, पहले साथ के जो कपड़े मैंने ऊपर निकाल के रखे हैं वो इस्त्री कर दो, मैंने पैकिंग भी करनी है उसकी। यानी साथ जाने के लिए मान गया? हाँ, मैंने हानी से कहा था कि उसे समझाए। कमाल है। अरे उम्मे हानी ना हो गई, कोई गिद्दड़ सिंह ही हो गई, जिसको सुंघाई वो मान गया। भाई वो उसकी मान लेता है ना। भाभी आपके कलेजे को हाथ नहीं पड़ता, औलाद वो आपकी है और हर बात वो मानता है उम्मे हानी की। तो क्या हुआ, बात मान लेता है ना तो बस काफी। बहुत भोली हैं आप भी भाभी, उम्मे हानी ने साथ को ढाल बनाकर रखा हुआ है। वो आपकी बातें तो मनवाती है, लेकिन साथ में अपनी भी सारी मनवा लेती है कि नहीं? भला जब लाहौर जाकर दाखला लेना था तो याद है आपको साथ को उसने कैसे ढाल बनाया था? और वो देखे, अरे वो पिद्दा सा लड़का उस लड़की के लिए किस तरह डट गया था। तो कौन सी इसकी या साथ की मान ली गई थी? कौन सा तुम्हारे भाई ने या दादा जाने से लाहौर जाने दिया था? यहीं से किया था ना बीए? हाँ तो ठीक ही है, जरूरत भी क्या थी? मैं तो वैसे भी लड़कियों की आजादी के हक में नहीं भाई, पराई बेटी की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है। और फिर उम्मे हानी की माँ के बारे में तो कुछ ढका छुपा है भी नहीं। माँ पारा, जो लोग इस दुनिया में नहीं है ना, उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करो या फिर ना करो। भाभी दुनिया से लोग जाते हैं, लेकिन अपने कारनामे जाते हुए ना इसी दुनिया में छोड़ जाते हैं। तो मेरे भोले भाले भाई को इसकी माँ ने यूनिवर्सिटी में तो फंसाया था, और वो इससे कोर्ट मैरिज करने के लिए सारे खानदान से लड़ मर के अलग हो गया। अरे भाभी, इस तरह की माँ का कुछ ना कुछ असर तो होगा ना इस लड़की में। मैं कह देती हूँ आपको, इसको बहुत खींच के रखने की जरूरत है, वरना थोड़ी सी ढील दी ना। अरे उम्मे हानी आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। साथ ने जाना है, उसकी पैकिंग करवा दो मेरे साथ। बल्कि चलो आओ, चलते हैं ऊपर। मैंने सलमा से कहा है कि कपड़े इस्त्री कर दे, आ जाओ, वो सारे के सारे सूटकेस में रखने हैं। जैसे ही कपड़े इस्त्री होते हैं सबके सब सूटकेस में पैक करते हैं। अभी इतने काम पड़े, पता नहीं जूते कहाँ रख के भूल गया है। उसका वो कुर्ता शलवार तुमने क्या रखा था क्या? Thank you.
कुछ और रह गया तो बता दो। रह तो जाएगा यही। क्या बता दो, कोई जरूरी चीज है तो रख देती हूँ। बता तो दूं, लेकिन तुम पूरी नहीं आओगी इस बैग में। बुद्धू, अच्छा मैं जा रही हूँ, बैग बंद कर लेना और जल्दी सो जाना। सुबह उठना है जल्दी, ठीक है? बाय बाय। थैंक यू। एक शीन था शदीद सा, एक अलिफ था जिसमें आस थी, एक ये थी जिसमें याद थी, एक दाल ने दिल बर्बाद की। इस शायद के वहम में उम्र तमाम कर बैठे, जो नहीं करने थे वो काम भी कर बैठे। कभी तुम सुन ही जो बात सुनानी है दिल की। शायद पे शुरू शायद पे खत्म, इतनी सी कहानी है दिल की। दादाजी, सात सुबह लाहौर जा रहा है, आप तो सो रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि अभी आपसे मिलवा दूं, अपनी दुआओं से रुख्सत कीजिए इसे। रिजवान जी, मेरी मां तो इसे लाहौर ना भेज, वहाँ जाके मुंडे खराब हो जाते हैं, इसको भेजना ही है तो विलायत भेज। दादाजी, विलायत जाके भी तो लड़के खराब हो जाते हैं। वहाँ मुंडों का क्या खराब होना है, वहाँ पर जाकर ज्यादा से ज्यादा यही है कि मेम ले आएगा, सगो फायदा है, बच्चे सोने होंगे, नीली आंखें, ब्राउन वाल, गोरे चिट्टे, और लाहौर, या अल्लाह माफ कर दें। साध जी बड़े दादा, अगर मुझको ये पता चल गया कि लाहौर जाके तूने बड़े बाजार का रुख करना शुरू कर दिया है, तो याद रखना ऐसे सोटी से तेरी मैं टांगे झाड़ दूंगा। आप एक कमाल करते हैं दादा, इसे क्या पता बड़े बाजार का। ये आजकल के लड़के कुन्ने होते हैं, मीसने चलाकू होते हैं, इन्हें सब पता होता है। बाबा ये बड़े दादा क्या कह रहे हैं? अरे बेटा समझा रहे हैं तुम्हें, इनसे दुआएं लो और चलो। अल्लाह हाफिज बड़े दादा। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चे को, या अल्लाह अपनी पनाह में रखना। पढ़ने की चोरी करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी।
पहले ही जाने के डर से मेरी जान निकली जा रही है, और बाकी की तुम नाराजगी की धमकियों से निकाल दो। हाथ आगे कर। ये क्या है? मान जाओ, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। फी अमान अल्लाह। इन आंसुओं को कब तक छुपाओगी? इनको भी साथ बांध के दे दे। अरे भाई मेरा चोनो चजोरा भतीजा, अपना बहुत ख्याल रख। साथ आ जाओ बेटा, देर हो रही। जाओ साथ, तुम्हारे डैड तो खामोश नहीं होंगे जब तक बैठ ना जाओ। अब खड़े क्यों हो? बैठो ना, देर हो रही। साथ। अरे जाओ भी। सारी जिंदगी कोई दोस्त नहीं बना मेरा, तुम भी ना बनते। कम से कम एक और उदासी मेरे हिस्से ना आती। हानी बीबी, वो बेगम साहब आपको बुला रही हैं। आपकी खाला का फोन आया, आके सुन लें। खाला? वो ये वलायत वाली जो ईद के ईद फोन करती हैं। आ जाए। बेटा मर्द बनो, क्या हो गया? घर से बाहर तुम्हारा ये पहला कदम, अभी तो तुमने बहुत आगे जाना है। अच्छा परेशान ना, हर वीकेंड पे मैं ड्राइवर को भेज दिया। शुक्रिया सनायत का। ध्यान से सलमा, ये इतने मोटे मोटे छिलके उतार रही हो, ये आलू है तरबूज नहीं है। किधर है ध्यान तेरा? क्या तुझे जल्दी है किसी काम की? जाना है कहीं तुझे? नहीं नहीं बेगम जी, मैंने भला कहाँ जाना है इतनी शाम में। अरे भाभी खैरियत तो है? ये उम्मे हानी की खाला अचानक कहाँ से जिंदा हो गई? भांजी की मोहब्बत जिंदा हो गई, ये कहो। इस बार तो ईद से पहले ही उन्होंने फोन कर दिया। तू हर बात में अपना नाक को सेड़ती है। जा जा जाके दादाजी से पूछ के रात को खाने में क्या लेंगे, दलिया या खिचड़ी। जा जी। सपान देखो कैसे चलती है इसकी। और हाँ, वो दादाजी ने एक वहम सा बिठा दिया है मेरे दिल में, तो ऐसे किसी
ऐरा गैरा लड़के से कोई दोस्ती ना करना और ना ही कहीं मुंह उठा के चले जाना, और खास तौर पे वहां तो बिल्कुल नहीं जाना था। वहां कहां बाबा? तो ये जो दादाजी समझा रहे थे बड्डे बाजार, वहां बिल्कुल नहीं जाना। बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह की अम्मा। करो खाला को ख्याल तो आया अपनी भांजी का, ये बड़ा नेक ख्याल। उसका छोटा बेटा नहीं है जो डॉक्टरी कर रहा है, उसके लिए। माँ पारा क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है? दादाजी कह रहे हैं रात को कुकर मिल सकता है। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? पहली बार घर से दूर हुए हो? हाँ, पहली बार दूर हुआ हूं। और एहसास हुआ कि दूर होना किसे कहते हैं। आदि हो जाओगे, मैं भी हो चुका हूं आदि, आर्मी ऑफिसर का बेटा जो। चलो तुम्हें कहीं घुमा लाता हूं। कहां चलोगे? अगर तू बड़े बाजार गया तो बच्चू मेरे से ज्यादा बुरा तुझे कोई पेश नहीं आएगा। ये वड्डा बाजार कहाँ है लाहौर में? व्हाट वड्डा? वड्डा बाजार क्यों? दादाजी को क्यों एतराज होगा? इसलिए कि वो पुराने ख्यालात के हैं। नायला, सलमान की साली का बेटा एक गैर नौजवान है, वो हमारे घर में रहेगा और वो भी लंदन पलट। दादाजी को ये अच्छा नहीं लगेगा। एक तो दादाजी ने भी ना इस हवेली पे 1925 नाफिज कर रखा, कौन सा जमाना रह गया ऐसी बातें करने का। सलमा, तुम इतनी रात को बागीचे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं यानी बीबी, झूठ ना बोलो। सच्ची कुछ नहीं, मैंने तुम्हें खुद देखा वहां से आते हुए। बेगम साहब को ना बताएगा आनी बीबी, आपको अलग वास्ता है। ओ, मैं क्यों बताऊंगी, तुम्हारी ये पाजेबे बताएंगी। उतार के दफा हुआ करो। वो जी उसने तोहफा दिया है ना, इन्हें जब पहनती हूँ ना तो जी उठती हूँ। जी लिया ना, अब भी मरवा देंगी अगर पहन के गई तो। उतार के जाया करो, छन 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 की आवाजें आ रही है पूरी हवेली में। जाओ अब, छन 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 लगाए। वो अगर उम्मे हानी को पसंद कर ले तो वो अगले महीने आके बाकायदा रिश्ता तय करते हैं। और उसकी माँ अपने बेटे को हमारे पास इसलिए भेज रही है कि हम लड़का देखभाल लें। अगर वो लड़का चंद दिन रहने के बाद उम्मे हानी को नापसंद करके चला गया तो? क्यों, उम्मे हानी में क्या कमी है? और माँ ने बेटे को कुछ समझा के भेजा होगा, वलायती लोग हैं। बेटे की रजामंदी के बगैर तो उसने इतनी बड़ी बात नहीं सोची होगी खुद से। और फिर देखे ना रिजवान, रिश्ते नाते ऐसे ही तय होते। लड़की बेहानी है कि नहीं बेहानी, कि अपनी बहन की तरह हवेली में सजा के रखनी है? एक तो तुम्हें हर मौके पे मेरी बहन चुभने लगती है। तो मैं क्या करूं, अल्लाह के फजल से वो है इतनी नौकीली, चुप चुप जाती है। अच्छा ठीक है,
लड़के को आने तो दो, आगे उम्मे हानि का नसीब, वो बहुत अच्छी है। तुम बहुत बुरी हो। बहुत अच्छी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मुझे मिली भी नहीं जाते हुए। साद, मैं सो रही थी और तुम गए भी तो इतनी सुबह सवेरे। नमाज के लिए उठी थी या नहीं? इमाम ज़ामिन बांधा था कि नहीं? उसके बाद फिर कैसे सो गई? वो देखो, अगर तुम मुझे मिलते हुए रोने लग जाते तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाते, इसलिए नहीं मिली। झूठ, तुम्हें डर था कि तुम रोने लग जाओ। अच्छा, तो तुमने लड़ने के लिए फोन किया? नहीं, तुम्हारी आवाज सुनी। अच्छा, तुम्हारी आवाज सुन के अभी क्या लगा? कैसा? हेलो, 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 वक्त तुम्हारी आवाज सुन के ऐसा लगा जैसे गर्मियों की तपती धूप में बारिश की बूंद। ये यहाँ का सदर बाजार है और यहाँ के खाने बहुत मशहूर हैं। इसके बाद हम चलेंगे ग्वाल मंडी और उसके बाद फूड स्ट्रीट। आज मैं तुझे पूरा लाहौर घुमाऊंगा, मजा आएगा लाहौर। सही कह रहे थे तुम, तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारा यहाँ तो क्या कहीं भी दिल नहीं लगेगा, क्योंकि तुम तो अपना दिल कहीं और दे बैठे हो। सही कह रहा हूँ ना मैं? अब कुछ बताओ तो सही। पहले उसको तो बता दो। आज तीसरा दिन है साथ को गए हो, मुझे अभी से उदासी हो रही है। तीन दिन और सब्र कर लो, वीकेंड पे बुला लूंगा मैं उसे। जी, मेहमान आ गए फ्लैट वाले। फ्लैट वाले? अच्छा, उन्हें बिठाओ और सामान कमरे में रखो। नायला, तुमने मुझे याद क्यों नहीं करवाया? गाड़ी भेजनी चाहिए थी एयरपोर्ट पर। सॉरी, मुझे नहीं याद रहा। वैसे उम्मे हानि की खाला ने कुछ जल्दी नहीं की? एक बेटी का मामला है, जितनी जल्दी फर्ज अदा हो जाए बेहतर है। कमाल है, मेरी दफा तो बिठा बिठा कर बाल पका दिए मेरे, तब ना याद आया किसी को। और सुनाओ जुनैद बेटा, कैसे हो? आई एम वेरी वेल थैंक यू जी। इन फैक्ट माम आप सबको बहुत बहुत सलाम दे रही थी। वालेकुम सलाम। बेटा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, नॉट एट ऑल। इन फैक्ट द फ्लाइट वाज क्वाइट कंफर्टेबल एंड आई मस्ट से आपकी हवेली माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अरे भाई, किसको ढूंढ रहे हो?
जी अब किसी को भी नहीं जी। उम्मेहानी आती होगी स्कूल से। स्कूल से? हाँ, सलमान भाई के इंतकाल के बाद इसी कस्बे में उनके नाम का एक ट्रस्ट खोला, स्कूल भी है और हॉस्पिटल भी। तो उम्मेहानी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्हीं की देखभाल करती है। वाओ, दैट इज सो नाइस एंड इट्स ऑल फॉर अ गुड कॉज। आई विश यू ऑल द बेस्ट। चाय पियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मेहानी, ये तुम्हारे कजन है, खाला के बेटे जुनैद। अरे बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइस टू मीट यू। खाला नहीं आई, आप उनको भी ले आते? आ जाएंगी वो भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। बैठो ना बेटा। नहीं दायाजान, मैं चेंज करके आती हूँ। अब तो चाय पियो। जी अब पियूंगा।